हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं मॉर्निंग की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये मॉर्निंग में तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैंने मॉर्निंग के लिए तोड़ के रख दी थी। ये हमारे यहाँ दरारी की छियाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर। इनसे हाथों में खुजली होने लगती है, तो पहले मैंने इनको तोड़ा, फिर मैंने साबुन से हाथ धुले। और मैं यहाँ पर साथ ही साथ अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, तो वो स्कूल का होमवर्क कर रही थी, जो ऑनलाइन होमवर्क आता है वो कर रही थी। तो बस आप लोग देखिए। आज मैं अपना इवनिंग का स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और सबसे पहले मैं लगाऊंगी टोनर। तो ये काफी ज्यादा अच्छा टोनर है, इसको मैंने आपको जब मैंने मंगवाया था तब मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो ये काफी ज्यादा पसंद आया है मुझे। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं और फिर हल्के हल्के हाथों से इसे डैप डैप करते हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्ले, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो नहीं करूंगी शेयर, बस थोड़ा सा दिखाऊंगी मैं। और मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पूरी ब्लॉग में। ये हमारा ड्राई हो चुका है, अब मैं लगाऊंगी ये गुड वाइब्स का सीरम। तो ये टी ट्री का भी, ये भी सीरम है टी ट्री का, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसको हम लगा के दिखाते हैं। काफी टाइम से मैंने आप लोगों के साथ स्किन केयर अपना शेयर नहीं किया है, तो मैंने कहा चलो आज इवनिंग का स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्या करेगी ये गर्मी, कुछ कह नहीं सकते हैं। अब मैं लगाऊंगी गुड वाइब्स पपाया हाइड्रेट फेस क्रीम, तो ये भी काफी ज्यादा पसंद आई है मुझे। अगर आप लोग कोई मॉइस्चराइजर क्रीम ढूंढ रहे हैं तो ये काफी ज्यादा बेस्ट है। एक ये है और ये कोकोनट की है, मुझे दो मैंने यूज की है, तो मैं इसके बारे में बता सकती हूँ आप लोगों को। ये काफी ज्यादा अच्छी है, आप लोग आंख बंद करके ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। एवोकाडो थोड़ी सी मुझे कम अच्छी लगी है, वो भी मैंने मंगवाई हुई थी, तो वो मुझे इतनी ज्यादा खास नहीं लगी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है आपका फेस। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक और फिर चलते हैं किचन में, गर्मी बहुत ज्यादा है। आज मैंने बालों को ऐसा किया हुआ है क्लचर से, आज मैं कैमरे के सामने ही लिपस्टिक लगा लेती हूँ, देखिए कैसी लगती है। एकदम परफेक्ट लग गई है, तो चलिए चलते हैं किचन में करते हुए। तो चलिए चलते हैं किचन में। मैं आ गई हूँ किचन में और मैं आप लोगों के साथ रसगुल्ले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं की है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा रसगुल्ले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मैंने एक अलग तरीके से रसगुल्ले बनाए हैं, मैंने 2 चम्मच सूजी डाली थी और 2 चम्मच सूजी डालने के बाद मैंने 8 चम्मच मैदा डाली है और दूध से मैंने माड़ा है उसे, खोया भी डाला है, लेकिन 8 चम्मच मैंने तब जब आप लोगों के साथ शेयर किया तब मैं 2-2 चम्मच डाला था, मुझे आइडिया मैंने तब, और मैंने अब 8 चम्मच डाली है, 8 चम्मच, और मैंने थोड़े दूध डाल के मार ली है। और देखिए आप कितने ज़्यादा अच्छे रसगुल्ले बने हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे और एकदम मार्केट की तरह बने थे, आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे।
और वो वाले बनाते थे तब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते थे कि चम्मच से टूट जाते थे, और ये अब की बार के ज़्यादा मतलब सॉफ्ट नहीं है, जैसे मार्केट में मिलता है वैसा बना है। अब के अब बहुत ज़्यादा अच्छा रसगुल्ला बनाया, आप देख सकते हैं, देखिएगा। थोड़ी मेरी चाशनी कम रह गई थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चाशनी जब भी हम लेते हैं तब हम चाशनी ऊपर ऐसे से ऊपर नीचे कर देते हैं, और इनको भी बहुत अच्छे लगे थे। और ये देखिए मेरी बेटी प्लांट्स को पानी दे रही है, ये इवनिंग में हर टाइम ऐसा ही करती है। मैं आ गई थी किचन में और ये इवनिंग का टाइम पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है, और मेरी बेटी नीचे जाके खेल के ऊपर आ चुकी है। और ये कुछ लाए थे सब्जियाँ, क्योंकि इन्होंने आज चाउमीन बनानी है डिनर में, तो ये कह रहे थे अलका आज रोटी खाने का मन नहीं है तो आज डिनर में चाउमीन बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। और टमाटर और शिमला मिर्च और गाजर यही सब लेके आए थे, और आप जाली से देख सकते हैं, जाली वाली गेट लगे हुए हैं यहाँ पर, और आप जाली से देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और ये थोड़ा सा लाए थे वाटरमेलन छोटा सा, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा काट दो हल्का, और मैंने कहा अभी आप ये खाओगे फिर आप चाउमीन खाओगे फिर पेट भर जाएगा, तो ये कहते थोड़ा सा काट दो ज़्यादा नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा काट देते हैं। और इनके साथ में हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था। आज हम फिर से दोनों आ गए हैं किचन में, ये बनाएंगे चाउमीन, मैंने पूरी तैयारी करके रख दी है, क्रेडिट सारा इनको जाएगा कि इन्होंने चाउमीन बनाई है, तैयारी मैंने की है। और यहाँ पर मैंने ऑयल रिफाइंड डाला है और मैंने सरसों का तेल नहीं डाला है, और इन्होंने पहले हरी मिर्च डाल दी थी, मैंने लंबी लंबी स्लाइस में काटी थी हरी मिर्च, और फिर इन्होंने प्याज डाल दिया, प्याज अच्छे से फ्राई होने देंगे। और मैंने कढ़ाई को हिला दिया था, इन्होंने कहा था मैंने ऐसा ही रखा है हल्का तुमने क्यों ऐसा, फिर मुझे हंसी आ गई बहुत तेज वाली, और बात करते करते भी हंसी आ रही है, जब मैं एडिटिंग कर रही तब भी हंसी आ रही थी मुझे। और इन्होंने शिमला मिर्च और गाजर को भी डाल दिया है, और ये अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से भूनने के बाद फिर ये शिमला मिर्च डालेंगे, तो देखिए आप लोग कैसे डाल रहे हैं, मुझे तो बस हंसी आ रही थी इन्हें देख देख कर, हमने कहा क्या बात है देखो। अलका इसको अच्छे से चलाना, तब तक मैं हाथ धुल लेता हूँ अपने, और मैं इसको चला रही हूँ। अब ये डालेंगे सोया सॉस, और फिर डालेंगे विनेगर, फिर डालेंगे चिली सॉस, और मैं इनको अच्छे से खोल खोल के दे रही हूँ, और फिर डालेंगे टमाटो सॉस, और फिर मैं डालूँगी अजीनोमोटो, वो यहाँ रखा हुआ है, हल्का सा डालना है ज़्यादा नहीं, अगर आप चाउमीन और फ्राइड चावल में ये डालते हैं तो इससे टेस्ट दुगना हो जाता है, तो ये ज़्यादा नहीं, मैं इनसे पूछ रही हूँ इतना डालना है। तो यही बनाते हैं हमारे यहाँ चाउमीन फ्राइड राइस, मैं कभी नहीं बनाती हूँ, तो कभी कभी जब मेरा मन होता है, जब मेरे राइस बस जाते हैं तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ, वैसे तो नहीं। और ये देखिए आप डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, एक एक ढक्कन डाल रहे हैं ज़्यादा नहीं, और फिर अच्छे से इसे चला देंगे, और मैं थोड़ा सा इसमें वाइट नमक डाल दूँगी, और बस हमारी चाउमीन रेडी है, आप देख सकते हैं।
आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉच।